अवतार लिया तो मनुष्य के रूप में अवतार लिया और भगवान विष्णु ने 16 कलाओं में अवतार लिया तो भगवान के रूप में ही अवतार लिया। तो आज विष्णु भगवान का एक मंत्र हम लोग उच्चारित करेंगे कि आज का जो व्रत है वो कहते हैं 16 करोड़ एकादशी का व्रत का फल आज ऐसी घड़ी है इसमें रखने का भगवान कृष्ण जन्म का व्रत रखने का फल 16 करोड़ एकादशी का फल मिलेगा। ये आज मुझे किसी ने फोन करके कहा, क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों से जुड़ा रहता हूँ, जाने अनजाने मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, बोले भाई तुम आज व्रत रख लो। मैंने कहा महाराज जी मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा। बोले क्यों नहीं रख पाओगे? मैंने कहा जबरदस्ती मैंने इस बार 2 महीने का व्रत कर लिया। सावन में मैं वैसे व्रत रहता हूँ, अब के मन में आया कि मैं पूरे सावन का व्रत करूंगा। फिर एक साथ बोले भाई सावन का ये भी तो पूरा सावन है, तो दोनों का करो। तो मैंने 2 महीने का व्रत कर लिया, मुझे चक्कर आने लगे। तो मैंने कहा आप व्रत ले लिया है तो व्रत का अर्थ है कि अच्छे काम का संकल्प ले। तो आज मैं कह रहा हूँ जिन्होंने स्वभावश फिर किसी ने व्रत करा होगा तो 16 करोड़ एकादशी का व्रत का फल मालूम है किसे मिलता है, किसका होता है? व्रत भगवान विष्णु का। तो फिर हम व्रत न रह सके तो विष्णु भगवान के भजन के 2 मंत्र हैं, तो हम लोग उस मंत्र का उच्चारण कर लेंगे तो ठीक रहेगा। पहली पंक्ति है हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दूसरी पंक्ति है राम के लिए हरे रामा 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 हरे हरे। तो मैं बोलूँगा फिर आप लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा 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 हरे हरे। धन्यवाद। क्योंकि बोलना और गुणगाना दोनों में पुण्य प्राप्त होता है, तो मैंने दोनों का पुण्य आपसे भी आपको भी लेने का काम किया है मित्रों। तो हम यहाँ प्रारंभ कर रहे थे, आज कृष्ण जन्माष्टमी के पूर्व का व्रत है। कृष्ण का मतलब है आकर्षित करना। कृष्ण का मतलब क्या है? आकर्षित करना। भगवान कृष्ण ने सब दोनों के चरित्र में अंतर है, भगवान कृष्ण के और प्रभु श्री राम के चरित्र में। श्री कृष्ण भगवान कभी रोए नहीं और प्रभु श्री राम कभी हंसे नहीं। दोनों के चरित्र में प्रधानता है कि प्रभु श्री राम क्यों नहीं हंसे, क्योंकि उन्होंने मनुष्य का आचरण अपने जीवन से दिया था। और मनुष्य के मन में तो हमेशा बवाल रहता है, मनुष्य का मन खाली नहीं रहता, पूरा भरा रहता है कचड़े से। मनुष्य का मन कैसा रहता है? बिल्कुल कचड़े से ढका तक भरा हुआ, कोई गुंजाइश ही नहीं अच्छी चीज जाने की, सब कचड़ा ही भरा पड़ा। तो वो जीवन हमने किससे सीखा? प्रभु श्री राम से। अब इधर भगवान कृष्ण का जीवन कैसा है? जब कृष्ण जी ने देखिए किसी माँ की गोद में जन्म ली, गर्भ से जन्म लिया और किसी की गोद में पले, अंतर कितना है। जन्म कहाँ लिया? माँ कोई गर्भ देने जन्म देने वाली जन्मदात्री माँ कोई, और पालने का सुख दे रहे हैं किसी को, वात्सल्य का लाभ कौन उठा रहा है, जन्म कौन दे रहा है? अंतर है। जब वासुदेव
कि सदर जी के यहाँ पहुँचाने जा रहे थे, तो लीला प्रारंभ से हो गई। जमुना ने कहा कि नहीं, भगवान उनको मैं बिना चरण स्पर्श किए तो उतरने नहीं दे रही। कृष्ण जी जानते थे कि अब ये मानेगी तो है नहीं। अब वासुदेव के गले गले जब पानी आ गया तो उन्होंने सोचा कि वासुदेव बाबा घबरा जाएंगे, तो उन्होंने कृष्ण जी ने जरा पैर नीचे पालने से कर दिया। यमुना फिर धरातल पर बिल्कुल कमर कमर उस पर आ गई। तो ऐसे चरित्र की प्रधानता जिन्होंने बचपन से की, उस कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र आए हैं। मैं बधाई देता हूँ गांव के प्रधान को। उन्होंने एक साल के लिए 1,000 रुपये देकर 12 महीने के लिए गाय की गोद लेने का काम किया है। ये 1,000 रुपया, ये 12,000, 1,000 रुपये प्रतिमा, ये 12,000 रुपये डीएम बरेली के खाते में पहुंचेगा। प्रधान जी के नाम से रसीद भी आ जाएगी। उन गायों को, मैं उन बच्चों को भी बधाई देता हूँ जो तड़प की गाय को उपचार करा के यहाँ लेकर आए हैं, उनको बधाई। तो मित्रों, भगवान कृष्ण ने जन्म लेने के बाद सबसे पहले प्रार्थना क्या की, हे गौ माता तू मेरे आगे रहना, हे गौ माता तू मेरे पीछे रहना, हे गौ माता तू मेरे बाएं रहना, हे गौ माता तू मेरे दाएं रहना, और तो और तू मेरे हृदय में विराजमान रहना। ये प्रार्थना भगवान कृष्ण ने की। गाय आगे, गाय दाएं, गाय पीछे, गाय बाएं, गाय शरीर में बसे। गाय को पूजने का काम यदि किसी ने किया तो भगवान कृष्ण ने किया। आज हम सौभाग्य जाने अनजाने कुछ आप लोगों के बीच खड़े होने का भी ये पुण्य हमें भगवान कृष्ण की कृपा से ही मिल रहा है। ये राजनीति में कितने काम आते हम नहीं रह पाते, चाहते हुए भी आपके बीच नहीं आ पाते। भगवान ने प्रेरणा दी कि इस कार्यक्रम के माध्यम से मधियमा गांव में जाओ, गौ माता की पूजा करो। और मैं बधाई दे रहा हूं इस मुसलमान परिवार को। कहां आए वो गौपालक खड़े हो गए, ये मुस्लिम है बैठो। मैंने इनका तिलक लगाकर इनका पूजन किया। पूजन इसलिए किया, ये गाय पाल रहे हैं। और कैसी साम्यता है, जब मैं बिलासपुर में था आज से 30-35 साल पहले, एक गुड़गामा में मुसलमान परिवार गाय पालता था, आग लग गई, गाय जलकर कुछ मर गई कुछ बची थी। ये गाय देखकर वो चित्र मेरे सामने आया, तो वो मुसलमान परिवार औरतों के साथ दो दो धार आंसुओं से रो रहा था, मानो परिवार का कोई आदमी मर गया हो। ये 30 साल पहले की बात है।